गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका टाइटल है मस्जिद के 300 इमाम का कत्ल कर दिया और 500 मस्जिदें शहीद कर दी। तो देखते गाइस ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमानों पर इतना अत्याचार और ये कहाँ का वीडियो है। सो देखते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। गाजा में इसराइल ने 300 हाफिज, आलिम और इमामों को शहीद कर दिया गया है। और यही नहीं बल्कि इसराइल ने गाजा के अंदर 500 से ज़ायद मसाजिद को तोड़ दिया है। आखिरकार इस खबर की क्या सच्चाई है, आइए इस पूरी वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद हर एक मुसलमान का दिल तड़प उठेगा। इसराइल ने 300 इमाम, हाफिज और उलमाए किराम को शहीद कर दिया है गाजा में। आप मिडिल ईस्ट आई की इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसराइल ने गाजा के 300 इमाम और हाफिज कुरान और उलमाए किराम को कत्ल कर दिया है। और यही नहीं बल्कि इसराइल ने गाजा के अंदर 500 से ज़ायद मसाजिद को तोड़ दिया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गाजा में 500 से ज़ायद इसराइल ने मसाजिद को तोड़ डाला है। यकीनन इस खबर को सुनने के बाद हर एक मुसलमान का दिल तड़प उठेगा। इसराइल ने उन मसाजिद को तोड़ा है कि जिन मसाजिद में पांचों वक्त सदाए हक आजान की आवाज गूंजती थी, लेकिन आज इसराइल ने उन 500 मसाजिद को तोड़ डाला है। और यही नहीं, जो लोग इन मसाजिद को आबाद कर रहे थे, जिसमें से इमाम, उलमा, हुफाज तमाम लोग आते हैं, उन तमाम 300 इमाम, हाफिज, उलमाओं को भी कत्ल कर दिया है। यकीनन इस खबर को देखने के बाद हर मुसलमान के दिल से इसराइल के लिए सिर्फ और सिर्फ आह निकलेगी। दोस्तों इस रिपोर्ट को देखने के बाद इसराइल के फौजियों पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब नाजिल हुआ है। इस खबर को देखने के बाद वो वक्त याद आ गया कि जिस वक्त काबे को शहीद करने के लिए बहुत बड़ी फौज मक्का जा रही थी, उसी बीच अल्लाह ताला ने अबाबील के जरिए अपने बड़े लश्कर को तबाह किया कि जो काबे को शहीद करने जा रहे थे। इसी तरह का एक वाकया गाजा में पेश आया है। इस रिपोर्ट की सच्चाई के लिए आप द टाइम्स ऑफ इसराइल की इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। इस रिपोर्ट में इसराइल ने खुद अपनी वेबसाइट पर आकर ये बात बताई है कि इसराइल के 12 फौजी शदीद जख्मी हुए हैं, वो भी छोटे छोटे ततई के जरिए। ये उस वक्त हुआ कि जब इसराइल की फौज गाजा के मासूम बच्चे और वहां की फौज पर हमला करने का ऑपरेशन बना रहे थे। उसी वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त ये लोग वहां पर हमला करने के लिए जा रहे थे, उसी बीच उन लोगों के टैंक के पहिए उन ततैयों के छतों से गुजरे, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी ततई थे सब के सब इसराइल की फौज पर हमला कर दिए। और इसी वजह से इसराइल के 12 फौजी इतने ज्यादा शदीद जख्मी हो गए कि उनको फौरी तौर पर एडमिट करना पड़ा। यकीनन इस खबर को देखने के बाद ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि अल्लाह ताला की गाजा के मासूम बच्चे और वहां के मजलूम लोगों के लिए गैबी मदद आ रही है। दोस्तों इसी बीच तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान का भी बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। रजब तैयब अर्दोगान ने साफ तौर पर यह बात कही है कि गाजा में जो मासूम बच्चों का कत्ल किया जा रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नितिन्याहू है। और यही नहीं, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने नितिन्याहू को हिटलर बताया है कि जिस तरह हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, इसी तरह आज नितिन्याहू गाजा के मासूम बच्चे और वहां के मजलूम लोगों का कत्ल कर रहा है। इस खबर को आरटी उर्दू वालों ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा है, 17 अक्टूबर के बाद गजा में इंतहाई घिनौने और मुनज्जम इज्तिमाई कत्लेआम की जिम्मेदारी किसके सर है? हम इसराइल को किस तरह से बयान कर सकते हैं जो लोगों को निहत्ते शहरियों पर बमबारी करने की हिदायत करता है? नितिन्याहू इस सतह पर पहुंच चुके हैं कि हिटलर को भी इस पर रश्क आएगा। अब आइए दोस्तों आप इस अमेरिकी लड़की का यह बयान भी सुनिए कि जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, और आपको वो मैसेज भी बताएंगे कि आखिरकार इस लड़की ने अपनी वीडियो में गाजा के मासूम बच्चों के लिए क्या मैसेज दिया है। ये लड़की अपनी वीडियो में साफ तौर पर यह बात कह रही है कि मैं अमेरिका के लोगों से नाराज हूं और मेरे नाराज होने की वजह यह है गाजा के मासूम बच्चे और गाजा के मजलूम लोगों का कत्लेआम
किया जा रहा है। इस लड़की की इस वीडियो को अल जजीरा ने भी अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हुए साफ तौर पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं नाराज हूं उन फिलिस्तीनियों के लिए कि जो हमारे टैक्स के जरिए मारे जा रहे हैं। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में गाजा के मासूम बच्चे और वहां के मजलूम लोगों के लिए दुआए कलिमात लिखना मत भूलिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ये था वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था यार। रियली वहाँ पे जो जैसा चीज किया जा रहा है आप देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे रील्स आते हैं हमारे सामने भी, तो मतलब वहाँ के बच्चों का जो है ऐसा बुरा हाल किया जा रहा है वहाँ पे, मतलब ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो मतलब इंसान के बच्चे ना हो, ठीक है, वो कोई और प्रेडेंट के हो या एकदम वो जालिम हो। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है उसमें? वैसे कसूर तो बड़े लोगों का भी नहीं था, क्योंकि यार एक समय में अगर आप वहाँ की हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो वहाँ के मुसलमान जो अभी यहूदी लोग हैं उनकी हेल्प किए थे, ठीक है, और उसके बदले में उन लोग उनके तरफ से क्या मिला आप देख सकते हो। सो यार गाइस, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप लोग उनके लिए दुआ करना कि वहाँ पर सब चीज़ जल्दी से स्टेबल हो जाए और वहाँ के लोग पे इतना जो जुल्म हो रहा है वो बंद हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, लव यू गाइस।